हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स। कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज थे सितंबर में जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स थी या कौन सा वीक मनाया गया, कुछ इस तरीके के इम्पोर्टेंट डेट्स और डेट्स हम यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आई होप ये सब तो आपको पता ही होगा कि ये डेट्स कब कब मनाए जाते हैं। टीचर्स डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंजीनियर्स डे, ओनम फेस्टिवल, हिंदी दिवस, ये कुछ डेट्स ऐसे हैं, कुछ डेज ऐसे हैं जो हमें पता होता है। आई होप कि मोस्टली आप सबको पता होगा ये डेज। अगर नहीं पता है तो आपको और काम करने की जरूरत है अपने आप पर, और वर्क करने की जरूरत है। डेज और डेट्स भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में। फर्स्ट सेप्टेम्बर से स्टार्ट किया है हमने, तो फर्स्ट सेप्टेम्बर जो है वो क्या किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे, नेशनल न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट हुआ था, वीजे डे या फिर नन ऑफ द अबव। आपको इसमें से बताना है कि जो 1 सितंबर है, 1 सितंबर किस डेट के रूप में मनाया गया, कौन सा डे हमने सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड कोकोनट डे था या नेशनल न्यूट्रिशन वीक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, वीजे डे था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी पता रहे कि आपके कितने ऑप्शन ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर भी नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट हुआ था, तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक चला था। नेक्स्ट देखते हैं, 3 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज। 3 सितंबर किस रूप में मनाया गया? स्काई स्क्रैपर्स डे, विक्ट्री ओवर जापान डे जाएगा यहाँ पे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे या नेशनल फ्राइड क्लैम डे। तो किस रूप में मनाया गया 3 सितंबर वो आपको बताना है। तो ये रहेगा स्काई स्क्रैपर डे। तो स्काई स्क्रैपर डे 3 सितंबर को मनाया गया, हर साल इसी दिन मनाया जाता है। ये जो दिन है ये मनाया जाता है फेमस आर्किटेक्ट विलियम कैन एन, इनकी मेमोरी में, इनके बर्थडे की मेमोरी में ये दिन मनाया जाता है। ये एक जीनियस थे इन कंस्ट्रक्टिंग द क्राइसलर बिल्डिंग व्हिच इज वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में एक आइकॉनिक लैंडमार्क यानी कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, वहां पर क्राइसलर बिल्डिंग है। तो उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था विलियम कैन एन ने। उनके बर्थडे के रूप में ये मनाया जाता है हर साल 3 सितंबर को, स्काई स्क्रैपर डे। नेक्स्ट, On which date Teachers Day is celebrated? ये तो आप सबको आता ही होगा, इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो everybody know Teachers Day कब मनाते हैं? हम 5 सितंबर में मनाते हैं। तो ये बात तो ही इंडिया की कि इंडिया में हम 5 सितंबर को मनाते हैं। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इंडिया का हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, तो वर्ल्ड का हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, हाल ही में अभी मनाया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब मनाया गया था, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाई टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? अबुल कलाम का बर्थडे होता है उस दिन, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है, या स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इसमें कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस तो मनाते हैं लेकिन क्यों मनाते हैं। तो जो सेलिब्रेट करता है स्कूल में कॉलेज में, आई थिंक सबको पता होता है ये भी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। टीचर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को या फिर 9 सितंबर को? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 सितंबर, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। क्या करने के लिए? जैसे कि नाम से पता चलता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि साक्षरता का कितना महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ये सब हम अवेयर करते हैं। 8 सितंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज, 8 सितंबर हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी मनाया, तो 8 सितंबर को और कौन सा दिन होता है? ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी होता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है या फिर वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। तो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 सितंबर एवरी ईयर टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल थेरेपिस्ट from all over the world to raise awareness about the importance contribution of the profession and in improving the well-being and health of the people। जो विश्व फिजिकल थेरेपी डे हम मनाते हैं हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड से, वो अवेयर करें लोगों को, इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन बताएं कि उनके प्रोफेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं लोगों की हेल्थ को, वेलबींग को, तो ये सब इसमें वो अवेयरनेस फैलाते हैं। नेक्स्ट, नेम द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल दैट फॉल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। कौन सा कटाई वाला, जो जिसमें कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कौन सा त्योहार है जो सितंबर के मंथ में आता है? ओनम, पोंगल, मकर संक्रांति या भोगाली बिहू? तो आंसर रहेगा ओनम। ओनम इज द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एंड मार्क्स द होम कमिंग ऑफ मिथिकल किंग महाबली। ओनम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि कटाई के टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है ओनम, और ये किसके घर आने की खुशी में है? किंग महाबली। नेक्स्ट कहें, 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, हिंदी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी? ये भी आई होप आप सबको पता होना चाहिए। तो 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर एज ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन 1949 एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को? क्योंकि इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली है, उन्होंने हिंदी को अडॉप्ट कर लिया था 1949 में, देवनागरी जिसकी लिपि है, इस लिपि में लिखी हुई हिंदी को अडॉप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक गणराज्य भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्वड। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर? तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 15 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व ऑन 15 सितंबर टू रिमाइंड पीपल दैट डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल। ये लोगों को ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के बारे में है। हर साल 15 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। मलेशिया डे इज सेलिब्रेटेड एट, मलेशिया डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर को? तो आंसर आपको यहाँ पे रहेगा 16 सितंबर को। मलेशिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर एंड इज आल्सो नोन एज हरी मलेशिया। 16 सितंबर को मनाते हैं और इसको हरी मलेशिया के रूप में भी जाना जाता है। 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 16 सितंबर किस रूप में मनाते हैं? इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे और वर्ल्ड ओजोन डे। तो आपको बताना है कि 16 सितंबर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो किस रूप में मनता है। आंसर है आपका डी, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन 16 सितंबर एनुअली। हर साल 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। On this day in 1987, the Montreal Protocol was signed.
1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2019? जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया था 2019 का, उसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग वुमन टू प्रमोट वुमन इन मैरीटाइम, एम्पावरिंग वुमन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी, इंक्रीज वुमन इन मैरीटाइम। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। आंसर है आपका सी, एम्पावरिंग वुमन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी। तो वुमन्स को एम्पावर करना, तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 26 सितंबर। 26 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल, और इस बार की थीम थी एम्पावरिंग वुमन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी। 26 सितंबर इज ऑब्जर्व एट 26 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? डे ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस, या फिर रोज डे। तो 26 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने डे ऑफ द वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस और रोज डे। तो बी वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, बी वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन 26 सितंबर एनुअली। 26 सितंबर को हर साल वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट होता है 27 सितंबर को, 28 सितंबर को, 29 सितंबर को, या फिर 30 सितंबर को, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर को। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 30 सितंबर एवरी ईयर, हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। दिस डे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पे ट्राइब्यूट टू द वर्क ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल। और इस दिन क्या एक मौका होता है कि हम अपनी ट्राइब्यूट पे कर सके जो लैंग्वेज प्रोफेशन के वर्क में है उनके लिए। वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को, या फिर 29 सितंबर को? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी 29 सितंबर को। तो वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 29 सितंबर, विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। दिस डे इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट दी हार्ट डिसीजेस, ये दिन लोगों को इन्फॉर्म करता है। हार्ट डिसीज किसके बारे में हम लोगों को बताते हैं? स्ट्रोक के बारे में बताते हैं, और जो जिससे कि मेनली आजकल वर्ल्ड का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, जिससे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, एक यही प्रॉब्लम है कि हार्ट डिसीजेस होते हैं, स्ट्रोक होते हैं। तो इसके बारे में अवेयर करते हैं लोगों को वर्ल्ड हार्ट डे पे, जो मनाया जाता है 29 सितंबर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमने देखे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये अपडेट, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमें अपना एग्जाम और नाम और सिटी हमें लिखकर सेंड कर सकते हैं 8447410108, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है या कोई वीडियो है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ये कुछ सैंपल्स है। अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ये कुछ सैंपल्स है इस बुक के जो आप देख सकते हैं। तो अलग अलग बुकलेट्स आपको मिलती है हर एक सब्जेक्ट की पैडागोजी की। तो आप हमें नंबर कॉल कर सकते हैं 8447410108। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSB, CTET, KVS, NVS, किसी भी स्टेट का टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।